हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, मैंने जो लास्ट चैप्टर आपको करवाया था, जो लास्ट टॉपिक था, वो था रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि हमें जर्नलिस्ट कैसे बनानी है। सबसे पहले गाइस, जो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप में मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप, जिसमें हम पहचान करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस की है, कौन सी बिजनेस की नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। दूसरा स्टेप गाइस मैंने बताया था मेजरिंग, कि हम उस ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करेंगे कि उसकी मनी वैल्यू कितनी है। और तीसरा स्टेप मैंने गाइस आपको बताया था रिकॉर्डिंग, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं। अब गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग में क्या बताया था कि जितनी भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं, चाहे वो सेल की है, चाहे वो परचेज की है, चाहे वो एक्सपेंस की है, चाहे वो इनकम की है, किसी भी तरह की जो ट्रांजेक्शन है उसको हम एक ही बुक में लिख देते हैं और उस बुक को कहते हैं जर्नल। तो आज हम जर्नलिस के बारे में पढ़ेंगे कि जर्नलिस कैसे बनाई जाती हैं, किस तरह से हमें रूल अप्लाई करके जर्नलिस बनानी है। तो सबसे पहले हम ये जो जर्नलिस का फॉर्मेट है इसी को समझ लेते हैं। गाइज, ये फॉर्मेट आपने बनाना है। पहला कॉलम डेट का रहेगा, इसमें आपने जिस डेट की ट्रांजेक्शन है वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मान लो 1/4/2020 की कोई ट्रांजेक्शन है, आपने वो डेट यहाँ पर डाल दी। पर्टिकुलर्स के अंदर जो चीज़ आपने, जो ट्रांजेक्शन आपसे हुई, जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, चाहे सेल हुई, परचेज हुई, कोई एक्सपेंस हुआ, कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई, वो अपने उसकी डिटेल यहाँ लिखनी है। लिखने का तरीका क्या है, पहले मैं वो समझा रहा हूँ। तो लिखने का तरीका इस तरह से है, जैसे कैश अकाउंट आपने इसको डेबिट लिखना है, और एक अकाउंट यहाँ पर डेबिट कॉलम में लिख देना है, यह है डेबिट कॉलम, और थोड़ी स्पेस छोड़ के टू सेल्स, और एक अमाउंट आपने क्रेडिट कॉलम में लिख देना है सेल के सामने। ये मैंने सिर्फ लिखने का तरीका बताया है। हमें क्यों ऐसा करना है, कैश को ऊपर और सेल्स को क्यों नीचे लिखना है, क्योंकि वो रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे कि जो रूल हमें कहेगा हमने उसके हिसाब से लिखना है। अभी मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो गाइस, यहाँ पे लिख दिया आपने जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई इसकी डिटेल के बारे में। नेक्स्ट कॉलम इज LF। LF की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो किसे कहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं जर्नल में, इसके बाद में पोस्टिंग होती नहीं, लेजर बनती है, वो भी आप थोड़े दिन के बाद सीखोगे। तो लेजर्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, हर ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है। तो मान लो अगर मुझे कैश का रिकॉर्ड देखना है तो मुझे यहाँ से नहीं पता चलेगा, मुझे उसके लिए लेजर देखनी पड़ेगी। और ये लेजर फोलियो जो है, यहाँ पे उस लेजर का यानी उस बुक का पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ पे मुझे ये रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये इसलिए होता है कि मुझे ढूंढने में थोड़ी आसानी रहे। तो मुझे कैश का रिकॉर्ड देखना है तो सपोज़ करो कि यहाँ पे मैंने लिखा है 59, इट मींस कि जो मुझे लेजर है उसका पेज नंबर 59 देखना है, जिसमें मुझे कैश का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितना कैश आया, कितना गया, कितना मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसका आपने कोई यूज़ वैसे होता नहीं है, इसको अपने खाली छोड़ना है। नेक्स्ट कॉलम इज़ DR and CR। DR की फुल फॉर्म होती है गाइस डेबिट, और CR की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरी जो लेफ्ट साइड है वो है डेबिट, इसी तरह आपकी भी लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट, और राइट साइड क्या है, क्रेडिट। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको डेबिट साइड बोलते हैं। अगर आप एक बीच में एक लाइन खींच दो तो आपकी जो लेफ्ट साइड हो गई वो डेबिट, और जो राइट साइड हो गई वो क्रेडिट। अब बेसिकली ये डेबिट क्रेडिट है क्या, जैसे दोस्तों आपके जैसे 10th में आप मैथ्स पढ़ते थे, उसमें कोई चीज़ प्लस माइनस करते तो आप क्या लिखते थे, प्लस का साइन क्या था ये, और माइनस का साइन क्या था ये, सेम डेबिट क्रेडिट है। इसमें भी डेबिट क्रेडिट जो है प्लस और माइनस की तरह ही यूज़ करते हैं। जैसे डेबिट हमारा प्लस है तो क्रेडिट हमारा माइनस है। अब ज़रूरी नहीं है कि डेबिट का मतलब प्लस ही है और क्रेडिट का मतलब माइनस ही है। कुछ केसेस में क्रेडिट का मतलब प्लस होगा और डेबिट का मतलब माइनस होगा, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो कुछ चीज़ों में डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, और कुछ चीज़ों में क्रेडिट प्लस और डेबिट क्या होगा, माइनस। तो मैं वो आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। तो क्योंकि एक जो हमारी ट्रांजेक्शन है इसका एक ड्यूअलिटी कंसेप्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। तो एक रिकॉर्ड हम कैश में रखेंगे, एक सेल में रखेंगे। तो एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा जो अकाउंट है वो हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा विद इक्वल अमाउंट, हमेशा बराबर होगा। सिंपल है, अगर मैंने 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो मेरे पास 1000 रुपये की चीज़ आई और मुझसे 1000 गया, अमाउंट तो सेम ही रहेगा। तो डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये हमेशा दोनों ही बराबर रहते हैं। चलिए गाइस, अब हम सीखेंगे कि जर्नलिस कैसे बनाई जाती है। मैं ये मिटा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था, उनका पूरा मीनिंग वगैरह, कौन सा अकाउंट कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो आज हम शुरू करेंगे रियल अकाउंट से।
आपको याद होगा कि रियल अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो रियल अकाउंट किसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? एसेट्स की। तो चलिए एक हम ऐसी ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो एसेट से रिलेटेड होगी और फिर एक रूल अप्लाई करके रियल अकाउंट का उसकी हम जनरेंटी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज, जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या है, मैं आपको उसका रूल बताने जा रहा हूँ। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out कि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया उसको डेबिट मतलब ऊपर लिखना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो आपसे गया उसको नीचे लिखना है। तो दोस्तों जब एक ट्रांजैक्शन होती है उसमें लेन देन तो होता है, एक चीज़ आएगी और एक चीज़ आपसे जाएगी। जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपके पास आया क्या? वो चीज़ जो आपने खरीदी। और आपके पास से गया क्या? पैसा, क्योंकि फ्री में तो आएगी नहीं चीज़, पैसा दे के ही आएगी। तो आपके पास वो चीज़ आई जो आपने खरीदी और गया क्या? पैसा गया। तो रूल यही कहता है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट यानी ऊपर लिखना है और जो आपसे गया उसको क्रेडिट यानी नीचे लिखना है। तो चलिए हम एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे फिर उसकी एक जनरेंटी बनाएंगे। आपको जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा, वो कहेगा परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा कहेगा कि आपने मशीनरी खरीदी 10,000 की, परचेज मशीनरी फॉर कैश। आपको कहेगा ये आपकी ट्रांजेक्शन है, आप इसको जनरल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो गाइस सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें देखना है कि जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं, एक तो मशीनरी जो आपने खरीदी और जिसके बदले में खरीदी कैश के बदले में। तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हो गए? मशीनरी और कैश। अब दोस्तों मशीनरी जो है वो क्या है? वो एसेट है। और कैश भी क्या है? वो भी एसेट है। तो दोनों ही एसेट्स हैं। और दोस्तों एसेट्स में मैंने क्या कहा था, किसका रूल लगता है? रियल का भी बताया, क्योंकि रियल अकाउंट जो है वो एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और इस ट्रांजेक्शन में जो चीज़ हमारे पास आ रही है और जो चीज़ हमसे जा रही है वो दोनों ही क्या हैं? वो दोनों ही एसेट्स हैं। तो इसका मतलब हमें सिर्फ रियल का रूल ही लगेगा। तो चलिए गाइस रूल लगाते हैं। वो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया डेबिट करो। अब आप खुद डिसाइड करो, जब आप मशीनरी खरीद रहे हो तो आपके पास क्या आएगी? जो चीज़ खरीद रहे हो तो उस चीज़ का नाम क्या है? उस चीज़ का नाम है मशीनरी। इसके आगे लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की खरीदी? वो अमाउंट यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में 10,000। एंड दूसरा रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे जो गया उसको क्रेडिट करो। तो दोस्तों आपसे क्या गया? आपसे गया कैश, तो मैं यहाँ लिखूँगा टू कैश। कितना कैश गया? 10,000। आपका इतना कैश बैलेंस कम हो गया। जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तो आपसे जो चीज़ जाएगी उसको आपने नीचे लिख देना है। ये आ गई आपकी पहली। अच्छा दोस्तों इसको करने का एक और तरीका भी है, एक है रूल, एक ट्रिक से भी कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, याद रखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसेट्स में जब कभी इंक्रीज होती है, एसेट्स में जब कभी भी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएंगे, इन डेबिट में आएंगे। और एसेट्स में जब कभी भी डिक्रीज होगी तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। अब इसको अगर इस तरह से भी करके देखें तब भी हमारी जनरेटी यही बनेगी। सिर्फ आपको देखना है कि आपको ये आसान लगा तो वैसे कर लो, ये आसान लगा तो वैसे कर लो। वो तो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, गोल्डन रूल्स हैं, और ये ट्रिक से आप कर सकते हो। देखो इससे भी करके देखते हैं। देखो हमने मशीन खरीदी किसके बदले? कैश के बदले में। दो एसेट्स हैं, एक मशीन और एक कैश। अब आप खुद सोचो कि इसमें कौन सा एसेट बड़ा और कौन सा कम हुआ। जब आप मशीन खरीदोगे तो आपके पास मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे सपोज करो कि पहले आपके पास 1,00,000 की मशीनरी थी, अब आपने 10,000 की और खरीदी, तो आपके जो मशीन हो गई मशीन की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000। मतलब क्या हुई? पहले से इंक्रीज हुई। या पहले आपके पास मशीनरी नहीं थी, अब आपने 10,000 की खरीदी तो मशीनरी की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई।
तो मैंने कहा जो एसिड इंक्रीज होगा उसको डेबिट कर लेना है, तो हमने मशीन को डेबिट कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या कहा, जो एसिड डिक्रीज होगा उसको अपने क्रेडिट करना है। अब जब आपने मशीन खरीदी तो आपके पास क्या कम हो गया, कैश कम हो गया, क्योंकि आपने कैश दिया ना, दिया मतलब जितना पहले था उससे कम हो गया। अब मान लो आपके पास 50,000 का कैश था, 10,000 आपने कैश दे दिया मशीन जिससे खरीदी उसको, तो आपका कैश कितना रह गया, कम हो गया, 40,000 रह गया, पहले 50 था, 10 चला गया। तो कहा कि एसेट की डिक्रीज जो है वो क्रेडिट करनी है। तो कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ, क्या कम हुआ आपका, कैश कम हुआ, वो नीचे आ गया। अब आप बेटा इस रूल से करो, रियल अकाउंट के रूल लगा के कर लो या स्ट्रिक से कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं। सेकेंड इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, ऑलमोस्ट सेम ही लिखी है मैंने, बस मशीनरी की जगह क्या लिख दिया, फर्नीचर। फिर से आपने वही करना है दोस्तों कि पहले जो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं इस ट्रांजैक्शन के उनको देखना है, जैसे एक तो फर्नीचर एक कैश। अब दोनों ही चीज़ें फर्नीचर और कैश ये एसेट्स हैं, और एसेट किसके अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में, और ये भी किसके अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में। फिर से अगर हम बात करें, अगर रूल के हिसाब से हमें जो एंट्री बनानी है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो दोस्तों आपने क्या ख़रीदा, फर्नीचर, सिंपल है, जो चीज़ खरीदोगे आपके पास तो वही आएगी ना, तो आपके पास आया फर्नीचर, तो मैं यहाँ फर्नीचर को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया उसको डेबिट करो, कितने का, 5,000 का। और रूल कहता है, दूसरा रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे जो गया उसको क्रेडिट करो, क्या गया आपसे, फर्नीचर खरीदा मतलब आपके पास से कैश गया ना, फ्री में तो आएगा नहीं, तो कैश गया, वो भी कितना गया, 5,000। तो एक अमाउंट आपने इसके सामने लिखना है, एक इसके सामने। उसके बाद एक नरेशन होती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए अगर आपको, हाँ, इस रूल से अगर करना है, इसमें फिर से वही है, अगर आपका एसेट इंक्रीज हुआ तो आप डेबिट में लिखोगे, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। अब यहाँ पे कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर खरीदा, यानी आपके फर्नीचर की वैल्यू 5,000 और बढ़ गई, जो पहले थी उससे 5,000 ज़्यादा हो गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी, मैंने कहा इंक्रीज जो है डेबिट होगा। और डिक्रीज क्या हुआ, कैश, क्योंकि आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, जब आप किसी को कैश पे करोगे आपका कैश बैलेंस ये जो 5,000 है वो कम हो जाएगा। और रूल कहता है कि अगर स्ट्रिक से कहता है कि एसेट की अगर डिक्रीज हो रही है तो आपने क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज यहाँ पे, और डिक्रीज आपकी क्रेडिट में आ जाएगी, यानी नीचे। चलिए थोड़ी सी और चेंज करते हैं। अब अगर मैं कहूँ सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, मैंने कैश में मशीनरी बेची। अब दोस्तों सबसे पहले वही चीज़ आपने देखनी है कि दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, दैट इज मशीनरी एंड कैश। अब हमें देखना है कि जो मशीनरी और जो कैश दोनों ही एसेट हैं, और एसेट के लिए किसका रूल लगता है, फिर से एसेट के लिए लगता है रियल का रूल। पता चल गया हमें कि इसमें रियल का रूल लगना है। और क्या कहता है रियल का रूल, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट करो। तो दोस्तों आपने मशीनरी बेची, जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो किसके बदले में बेचोगे, क्या चीज़ लोगे उससे, बेचने वाले से आप क्या लोगे, कैश, फ्री में तो नहीं बेचोगे ना। तो आपने मशीन बेची तो आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश के बदले में बेची। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब आप जब क्योंकि मशीन बेच रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश आया, एंड रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं कहूँगा कैश अकाउंट डेबिट कितने का, 1,000, ठीक है गाइस। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे क्या गया, क्या गया आपसे, क्या चीज़ बेची, जो चीज़ बेची वो गई आपसे, तो टू मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने की मशीन गई, 1,000 की। हो गया कंप्लीट, नरेशन भी है, बाद में डिस्कस करेंगे नरेशन क्या होती है, मैं कल के टॉपिक में बता दूंगा। तो गाइज इस तरह से करना है या इस तरह से करो तब भी देखो। अब आप मशीन बेच रहे हो, जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, मतलब कैश आएगा, सिंपल है। तो आपका क्या इंक्रीज़ हुआ, कैश बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, इसने कहा डेबिट में एसेट की इंक्रीज़ आपने डेबिट में लिखनी है। तो आपके यहाँ इसमें से, इन दोनों में से क्या चीज़ इंक्रीज़ हुई, जब आपने मशीनरी बेची वो तो कम हो गई, बदले में क्या आया, कैश, इसका मतलब कैश का बैलेंस बढ़ा, पहले जो बैलेंस था उससे ज़्यादा हो गया, कैश का बैलेंस बढ़ा। तो उसने कहता है अगर एसेट की इंक्रीज़ है तो डेबिट कर दो, और एसेट की डिक्रीज़ है तो क्रेडिट। तो कौन सा एसेट डिक्रीज़ हुआ, मशीनरी, आपने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी।
चलिए गाइस, ये भी आई होप समझ आ गया आपको। थोड़ी और लिखते हैं एक दो एंट्रीज। अच्छा दोस्तों, अब एक एंट्री में लिख रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000, कि मैंने गुड्स खरीदी कैश में। अच्छा, अगेन यहाँ पे दो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं गाइस, गुड्स और कैश। अब गुड्स क्या हैं, गुड्स होता है स्टॉक। देखो दोस्तों, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सपोज करो मेरी मोबाइल शॉप है, तो वो जो मोबाइल मैंने खरीदे मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से कस्टमर को बेचने हैं, वो जो मोबाइल मैंने खरीदे मेरे लिए वो गुड्स हैं, या उसको फिर स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो एक तरह का एसेट है वो मेरे पास, तो एसेट के लिए किसका रूल लगता है, रियल का। और कैश तो है ही एसेट, तो किसका रूल लगेगा, रियल का। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रूल लगने वाला है रियल का। और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब गाइस यहाँ पे हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। क्यों परचेज इसलिए लिखा जाता है गाइस, कि सिंपल है कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर हम वो चीज़ खरीद रहे हैं उसको हमेशा ही परचेज लिखेंगे। अब जैसे मैंने पहले केसेस में कहा कि मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा। अब अगर मान लो मैं मशीन का बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि जिसकी भी हम जर्नलिस्ट बना रहे हैं वो जो है प्रोपराइटर किस तरह का बिजनेस कर रहा है, अगर मान लो किसी का मशीनरी का ही बिजनेस है, तो उस केस में भी क्योंकि वो मशीन्स का बिजनेस कर रहा है उसको आप परचेज ही लिखोगे। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तब भी आप क्या लिखोगे, परचेज। तो परचेज हम किसके लिए लिखते हैं, या तो गुड्स के लिए लिखते हैं या जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स का मतलब कि इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर मान लो मशीनरी का बिजनेस है और हमने मशीनरी खरीदी तो उसको भी परचेज। इन शॉर्ट जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, परचेज। वो चाहे फिर मशीनरी है, मोबाइल है, फर्नीचर है या कुछ भी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास परचेज आई इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमसे क्या गया, हमसे गया टू कैश, क्योंकि कैश हमारा बैलेंस कम हो गया। तो 2000 मैं यहाँ पे लिखूँगा और 2000 यहाँ पे लिखूँगा। चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं गाइस। एक ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि मैंने कैश में 5000 की गुड्स बेची। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, अगेन गुड्स और कैश, और दोनों ही क्या हैं, एसेट्स हैं, तो किसका रूल लगेगा, रियल का। और रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अब जो आया डेबिट करो। मेरे पास क्या आया दोस्तों, मैंने क्या बेचा, मैंने गुड्स बेची। तो जब भी आप कोई भी चीज़ बेचो, चाहे वो गुड्स है या चाहे फर्नीचर है चाहे मशीनरी है, जब भी आप कोई चीज़ कोई भी चीज़ बेचते हो तो बदले में क्या लेते हो, पैसा लेते हो। तो आपके पास क्या आता है, पैसा। रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। क्या आया मेरे पास, कैश। मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 5000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझसे क्या गया दोस्तों, गुड्स गई, लेकिन गुड्स को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्स, क्योंकि अगेन मैंने अपने फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन शुरू किया था उसमें मैंने बेसिक टर्म्स में बताया था कि जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे बिजनेस के लिए, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो परचेज़ कहलाएगी, और वही चीज़ जब हम बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सेल। तो देखो बाकी चीज़ों में, जैसे मैंने मशीनरी बेची तो मैंने मशीनरी लिखी, लेकिन गुड्स के केस में अगर आप खरीद रहे हो तो परचेज लिखोगे, बेच रहे हो तो गुड्स नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, सेल। क्योंकि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम वही चीज़ बेच रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने सेल लिख देना है। अब इसको इस मेथड से भी करोगे तो तब भी वही है, एसेट की इंक्रीज़ क्या होती है, डेबिट। अब देखो यहाँ पे कौन सा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, आपने गुड्स बेची तो आपके पास क्या आया, कैश आया, इसका मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपने कैश को डेबिट कर लिया। और डिक्रीज़ क्या हुआ, गुड्स डिक्रीज़ हुई, गुड्स आपसे गई, तो आपने उसको क्या कर लिया, आपसे जो भी जाएगा एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जितनी गुड्स आपने खरीदी थी उसमें से 5000 के आपने बेच दी, यानी 5000 आपकी गुड्स कम हो गई, तो एसेट्स की डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि रियल अकाउंट का रूल लगा के हमने जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है। अभी दो अकाउंट और पड़े हैं,
सेकंड इज इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा अगले वीडियो में, पर्सनल अकाउंट, और उसके बाद लास्ट नॉमिनल अकाउंट। तो आई होप आपको जितना मैंने आज कराया ये आपको समझ आया होगा। बाकी गाइज चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबाएं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको करवाने जा रहा हूँ। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।